हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम कविता केवट फ्रॉम लिटिल स्टेप स्कूल. वी विल रीड चैप्टर 3, यूजफुल प्लांट्स. आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स बिकॉज दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. प्लांट्स कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ कलरफुल भी होते हैं. और ये प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत यूज़फुल होते हैं और हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं. दे प्रोवाइड अस फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन एंड मैनी अदर्स यूज़फुल प्रोडक्ट. और ये प्लांट्स हमें क्या देते हैं? क्लॉथ देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं और बहुत सी अदर चीज़ें हमको प्रोवाइड करते हैं. लेट अस नो अबाउट द यूज़फुल प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स हमें हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं और हमें वो क्या क्या देते हैं. पहले है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑन फूड. प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. प्लांट कैसे होते हैं? बहुत काइंडनेस होते हैं, वो हमें सब कुछ देते हैं, ठीक ना. प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. वी गेट वेरियस फूड आइटम फ्रॉम प्लांट लाइक क्रियल्स, पल्सेस, स्पाइस, फ्रूट, वेजिटेबल एंड ऑयल. ये सब हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. ये सब हमको कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स प्रोवाइड करता है. लुक एट योर पेज नंबर 172. क्रियल्स. वी गेट क्रियल्स लाइक वीट, राइस, मेज From plant. Creoles are rich in carbohydrate. They are used for making various food item. Creoles, ये rice, wheat, आपके maize, ये सब क्या हैं? आपके creoles हैं. और ये हमें क्या food item provide कराते हैं? Pulses, pulses, plant also provide pulses like peas, soybean, masoor, moong and gram. Pulses are rich in protein. सारी दालों में क्या पाया जाता है? बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. ऑयल. वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड ऑफ वेरियस प्लांट लाइक ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. दीज ऑयल्स आर एडिबल. ऑयल. ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कैस्टर, यूकेलिप्टस एंड नीम आर यूज्ड एज मेडिसिन. ऑयल आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सोप्स. कुछ प्लांट्स के सीड से हमको क्या मिलता है? ऑयल मिलता है. और ये ऑयल कैसे होते हैं? एडिबल ऑयल होते हैं, यानी खाने वाले ऑयल्स होते हैं. और कुछ सीड से ऑयल्स हमको प्राप्त होता है और उस ऑयल से क्या बनाया जाता है? आपका सोप तैयार किया जाता है. जैसे आपके नीम हो गए, आपके यूकेलिप्टस हो गए, ये जो प्लांट के सीड हैं इनसे क्या बनाया जाता है? सोप तैयार किया जाता है. Sugar. Sugar is mainly obtained from sugar cane. Sugar beet is also used for making sugar. हमको sugar भी किससे मिलता है? Plant से मिलता है. आप सभी जानते होंगे कि sugar cane क्या है? हम एक sugar को provide करने वाला plant है. और beet से भी हमको क्या मिलता है? Sugar मिलता है. Fruit and vegetable. We get fruit and vegetable from plants. हमको fruit और vegetable किससे मिलते हैं? Plants से मिलते हैं. Fruits such as apples, bananas, melons and mangoes are rich in vitamins and minerals. ये सारे fruits में क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में vitamins होते हैं और minerals पाए जाते हैं. Vegetable like cauliflower, spinach, potato and broccoli are also good source of vitamins and minerals. आपके कुछ vegetables हैं, like cauliflower है, आपका spinach है and potato है and broccoli है. इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका vitamins पाया जाता है and minerals पाया जाता है. Fruits and vegetable both are rich in ragi, fibers. यानी कुछ फ्रूट्स में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? आपके फाइबर्स पाया जाता है. जैसे आप पाइनएप्पल आपने खाया है, पाइनएप्पल में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? आपके फाइबर्स होते हैं. सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें फाइबर्स प्रेजेंट होता है. स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, टर्मरिक, कार्डमम, चिलीज एंड पेपर आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स. दे एड फ्लेवर ऑफ वेरियस फूड आइटम. स्पाइसेस, आप स्पाइसेस मीन्स
आपके घरों में जो डेली यूज में जो स्पाइसेस यूज होते हैं, जैसे लाइक क्लोव्स, आपके टर्मरिक एंड कार्डमम्स, ये सारे क्या हैं, आपके स्पाइसेस हैं, यानी मसाले हैं। दे एड फ्लेवर टू वेरियस फूड आइटम, और ये जो फूड आइटम है और हमारे फूड को क्या कर देते हैं, टेस्टी बना देते हैं, और उनमें फ्लेवर का काम करता है। बीवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी आर ऑप्टेंट। बीवरेजेस मीन्स कुछ ऐसे हमारे सीड्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो क्या यूज़ में होते हैं, पेय पदार्थ इन्हें कहा जाता है, लाइक कॉफ़ी। कॉफ़ी इज मेड फ्रॉम द सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट, विल टी इज प्रोसेस्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट। यानी कॉफ़ी का जो प्लांट होता है उससे जो फ्रूट बनते हैं और उनको फ्रूट को ड्राई कर दिया जाता है, फिर उनसे सीड हमको मिलता है, और यही सीड क्या कहलाता है, आपका कॉफ़ी कहलाता है। टी प्लांट्स में आपने देखा होगा कि टी प्लांट्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं, जो सॉफ्ट लीव्स होते हैं, उनका यूज़ टी में किया जाता है। नट्स लाइक कैस्यू नट, ग्राउंड नट एंड आलमंड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स। नट्स लाइक कैस्यू नट, ग्राउंड नट एंड आलमंड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स, और ये बहुत अधिक मात्रा में इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है एंड विटामिन्स पाया जाता है। फाइबर्स, सम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट एंड हेम्प गिव अस फाइबर्स। कुछ प्लांट से क्या मिलते हैं हमको, फाइबर्स मिलते हैं, लाइक कॉटन, जूट एंड हेम्प। ये सारे प्लांट क्या हैं, जूट वाले प्लांट्स हैं। दीज फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, मैट्स, रोप्स एंड हेड बैग। यानी इनसे क्या बनाया जाता है, क्लॉथ्स तैयार किया जाता है। आप जो यूज़ करते हैं बैग, वो हैंड बैग तैयार किया जाता है, एंड रोप्स बनाए जाते हैं। मेडिसिन सम्स प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड एट मेडिसिंस और फॉर मेकिंग मेडिसिंस। कुछ प्लांट्स से हमको मेडिसिन प्राप्त होता है, जैसे लाइक आपने तुलसी देखा होगा, तुलसी आप सभी के घरों में लगा होगा। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो पूजा में भी यूज़ किया जाता है और मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। जब आपको सर्दी खांसी होता है तब आपकी मम्मियाँ क्या करती हैं, चाय बनाती हैं, उनमें थोड़ा सा तुलसी पत्ता या उसका काढ़ा बनाकर आपको पिलाती हैं। तो ये क्या है, एक मेडिसिन प्लांट है, इससे हमको मेडिसिन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुनेन इज ऑप्टन फॉर द बार्क ऑफ सिंकोना ट्रीज, और एक सिंकोना ट्री होता है जिसके बार्क से क्या पाया जाता है, कुनेन पाया जाता है। और ये कुनेन किस बीमारी में यूज होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो तब आप कुनेन का काढ़ा पी लीजिए, आपका फीवर क्या होगा, कम हो जाएगा। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, और इसका यूज़ मलेरिया में किया जाता है। टर्मरिक एक्ट लाइक एंटीसेप्टिक एंड इज़ यूज्ड टू हील वाउंड्स। यानी टर्मरिक भी क्या है, आपका मेडिसिनल प्लांट है, और इसका यूज़ की एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। जब आपको कहीं चोट लग जाए, आप यदि कहीं गिर जाओ और आपको बाहर चोट दिखाई ना दे, तो हमें दर्द होता है पर बाहर हमें चोट दिखाई नहीं देता, तो जो टर्मरिक है वो क्या करता है, यदि टर्मरिक के पाउडर को ऐसे रोस्ट करके खाया जाए या टर्मरिक का काढ़ा बनाया जाए, तो वो क्या करता है, ये सब हमारे पेन में क्या करता है, रिलीफ देने का काम करता है। नीम, तुलसी एंड जिंजर आल्सो हैव ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू एंड आर यूज्ड टू क्योर वेरियस डिसीज। आपके नीम, तुलसी और जिंजर ये बहुत अधिक गुड़ वाले क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी पाई जाती है मेडिसिन की। ये सारे यूज़ करते हैं आप अपने घरों में, जैसे आप जो चाय पीते हैं डेली यूज़ में, उसमें आप जिंजर डालते हैं, तो वो चाय क्या करता है, आपको सर्दी खांसी से प्रोटेक्ट करता है। नीम क्या है, आपकी दाद, खाज, खुजली, ये जो होते हैं
इनमें यूज़ किया जाता है। आपकी तुलसी, तुलसी आपका वही काढ़ा बनाने में काम आता है, सर्दी खांसी को दूर करने में काम आता है। फोडर प्लांट आल्सो प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल, सम एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, हॉर्सेस एंड सिप ईट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट ड्राइड स्टेम ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट आर कॉल्ड कैटल फोडर। फोडर जो आपके एनिमल्स क्या खाते हैं, खाना फूड खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फोडर कहा जाता है। और ये फोडर कहाँ से तैयार किया जाता है, आपका प्लांट से तैयार किया जाता है। प्लांट्स आर आल्सो प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस एंड हॉर्स। ये सारे, इन सारे एनिमल्स का जो फूड होता है वो प्लांट से ही मिलता है। और इन्हें सुखाकर भी क्या किया जाता है, इन्हें ड्राइड करके भी हम फूड आइटम के रूप में यूज़ करते हैं। वुड एंड टिम्बर, वुड इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ वेरियस ट्रीज सच एज टीक, सीसम, रोज वुड, मैंगो एंड नीम वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, डोर एंड डेकोरेटिव आइटम्स आल्सो। वुड एंड टिम्बर, कुछ वुड्स, कुछ प्लांट के वुड ऐसे हैं जो यूज़ किया जाता है आपके घरों में, जैसे डेली यूज़ में आप टेबल चेयर जो बनता है, ये सारे आपके कहाँ से मिलते हैं, आपको प्लांट से मिलते हैं। तो यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, डोर एंड डेकोरेटिव आइटम्स आल्सो। वुड का यूज़ किस में किया जाता है, फर्नीचर बनाने में, डोर बनाने में एंड डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में तैयार किया जाता है। अदर प्रोडक्ट्स, सर्टन फ्लावर लाइक रोज एंड जैस्मिन हैव प्लीजेंट स्मेल एंड आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर एक्सेट्रा। कुछ अदर प्लांट्स हैं जिनका यूज़ किस में किया जाता है, जैसे लाइक रोज एंड जैस्मिन, इनका यूज़ किस में किया जाता है, रूम फ्रेशनर में एंड किस में किया जाता है, परफ्यूम बनाने में किया जाता है। सम प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैनर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, डेड एंड डिकेड प्लांट्स फ्रॉम ह्यूमस विच आल्सो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका यूज़ किस में किया जाता है, मैनर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। रेजिन, वार्निश एंड डाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम सम प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स से हमको रेजिन मिलता है एंड वार्निश मिलता है एंड डाइज मिलता है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्रीज, रबर इज़ यूज फॉर मेकिंग इरेजर, टायर्स एंड ट्यूब्स। रबर का जो प्लांट है उससे हमको रबर मिलता है, और रबर से क्या बनते हैं, आपके इरेजर बनते हैं, वायर बनते हैं, टायर बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, ये सारे आइटम आपके किससे बनते हैं, रबर से बनते हैं। वी गेट पेपर फ्रॉम बैम्बूज प्लांट, आपका पेपर आपको कहाँ से मिलता है, बैम्बू प्लांट से मिलता है। बैम्बू प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैम्बूज बास्केट, मैट्स एक्सेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट किससे तैयार किए जाते हैं, बैम्बू प्लांट से तैयार किए जाते हैं। प्लांट्स प्यूरिफाई एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट हमारे लिए, हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट ही क्या करता है, हमको ऑक्सीजन देता है, और ये क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम भी करता है। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू।